नमस्कार, मैं हूं आरती। महाराष्ट्र की सियासत में शनिवार की सुबह शिवसेना के लिए शनिचर बनकर आई। मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब में रात भर उद्धव ठाकरे करवटे बदलते रहे और सुबह जब नींद खुली तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। महाराष्ट्र में ऐसा सियासी भूचाल आया कि सब कुछ आबरा का डाबरा हो गया। शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ बैठकी ही करती रह गई और चंद घंटों में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने ऐसी चाल चली कि उद्धव ठाकरे के होश फाख्ता हो गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हट चुका था। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके थे और एनसीपी नेता अजित पवार बन चुके थे डिप्टी सीएम। शनिवार सुबह करीब 5:47 पर राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा और ठीक 8 बजे देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ लेकर लगातार दूसरा मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रच दिया। शपथ लेने के बाद फडणवीस ने कहा कि हमने चुनाव जीता था, लेकिन शिवसेना ने धोखा दिया, जिसकी वजह से हम एनसीपी के साथ आए हैं। हम राज्य को स्थिर सरकार देंगे। तो वहीं अजीत पवार ने कहा कि चुनाव नतीजे आने के बाद से कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, इसीलिए हमने एक स्थिर सरकार बनाने का फैसला लिया। एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने, हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अग्रणी राज्य को ये शोभा भी नहीं देता। और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी, कोई खिचड़ी शासन नहीं जहां पर 3 ऐसी पार्टियां साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए। बहुत दिन आपने देखा, चुनाव 24 तारीख को रिजल्ट आया, तब से अभी तक कौन सा भी कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका। और महाराष्ट्र में इतने अलग अलग प्रॉब्लम है, ज़्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालना को मदद हो सकती है, डिसीजन जल्द से जल्द हम ले सकते हैं। इसीलिए हमने ये सब निर्णय लिया और आज गवर्नमेंट हमने स्थापित किया। बीजेपी के खेल में सबसे बड़ा महरा बने अजीत पवार, जिन्होंने एनसीपी के 35 विधायक तोड़कर बीजेपी की सरकार का रास्ता साफ कर दिया। अब शिवसेना कह रही है कि अजीत पवार ने शरद पवार को धोखा दिया है। ये धोखा महाराष्ट्र की जनता और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हुआ है। देखिए, अजीत पवार की क्या प्रतिक्रिया है मुझे मालूम नहीं, उनकी प्रतिक्रिया जो रिएक्शन है उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। कल 9 बजे तक ये महाशय हमारे साथ बैठे थे, पूरी बातचीत में सक्रिय थे, उन कोई सूचना भी कर रहे थे, अचानक से वो गायब हो गए। हमें थोड़ा संशय आया था उस बारे में, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि वो नज़रों से नज़र मिलाकर नहीं बोल रहे थे। जो व्यक्ति पाप करने जाता है उसकी नज़र जिस प्रकार से झुकती है, वो झुकी हुई नज़रे से बात कर, ठीक है बातचीत एक दिन के लिए आगे बढ़ गई, उसका मतलब ये नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पक्ष ने राजभवन का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, फिर एक बार ये इस देश के लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। सत्ता, पैसा और मस्ती, ये सब फिर एक बार उसका गैर कानूनी ढंग से इस देश में वापर किया है। कहते हैं अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऐसा दाव चला कि रातों रात सारा खेल बदल गया और शिवसेना चारों खाने चित हो गई। बीजेपी ने ये खेल ऐसे वक्त में खेला जब शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के बीच लगभग सब कुछ तय हो चुका था। ये तय था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करेगी, किस पार्टी के पास क्या मंत्रालय होंगे, इस पर भी लगभग मोहर लग चुकी थी।
बस एक औपचारिक ऐलान होना बाकी था। शुक्रवार को इस सिलसिले में मुंबई में तीनों दलों के बीच एक बैठक भी हुई थी, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अहमद पटेल शामिल हुए, जिसके बाद तीनों दलों ने एक सकारात्मक रुख दिखाया। लेकिन हकीकत तो यह है कि ये राजनीति है जिसमें आखिर वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले तो मैं हमारे नेता आदरणीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, हमारे कार्याध्यक्ष नड्डा जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का मौका दिया। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने, हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अग्रे राज्य को ये शोभा भी नहीं देता। और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी, कोई खिचड़ी शासन नहीं जहां पर तीन ऐसी पार्टियां साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए। और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूंगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले। इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी आए हैं। और इसके चलते हमने हमारा दावा आदरणीय राज्यपाल जी को पेश किया। उस दावे की पुष्टि करते हुए आदरणीय राज्यपाल जी ने माननीय राष्ट्रपति जी से अनुशंसा की कि राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाए। और राष्ट्रपति शासन वापस लेने के बाद आज यहाँ पर हमको माननीय राज्यपाल जी ने शपथ का निमंत्रण दिया। मैंने और श्री अजीत दादा पवार, इन्होंने शपथ ली है, मैंने मुख्यमंत्री पद की ली है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की ली है। और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर स्थायी इस प्रकार की सरकार हम लोग दे पाएंगे। श्री अजीत आनंदराव पवार उप मुख्यमंत्री। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही।